सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना शपथ पत्र भारत की प्रेसिडेंट के सामने रखा। प्रेसिडेंट ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और श्री नरेंद्र मोदी ने शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में 9 जून को शपथ ग्रहण की तीसरी बार। ये बराबरी हो जाती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ। और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ कुछ और भी गणमान्य नेता थे, जैसे राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी। इसी के साथ साथ लगभग 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने शपथ ग्रहण की। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम मोदी बीजेपी पार्टी से बॉर्न होकर आए, जीते हैं, उसकी सीटें हैं लगभग 240 और उसी के साथ साथ और भी एनडीए के घटक दल मिलकर के 293 का आंकड़ा पार किया है। हम आपको बता दें कि नंबर 1 पर हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा। इस तरीके से हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, लेकिन वो आज कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल हो चुके हैं। और दूसरा नाम है निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, तो इस तरीके से पीयूष गोयल। और भी मैंने लिस्ट को टैग कर दिया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।